हे एवरीवन, उदय मंडल दिस साइड एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस अमेजिंग वीडियो। सो सबसे पहले थैंक यू सो मच गाइज, आप लोगों ने हमारे वीडियोस के ऊपर इतना प्यार बरसाने के लिए। और एज यूजुअल मैं आपके लिए लाया हूँ आज एक और धमाकेदार इंटरेस्टिंग वीडियो, जिसके अंदर आप जानने वाले हो कुछ ऐसे ट्रेडिंग व्यू के हैक्स जो मुझे लगता है कि शायद ही आप लोगों ने आज तक देखा होगा। जब मैं इसको खुद एक्सप्लोर किया और काफी दिनों से यूज कर रहा हूँ, ये मेरे को ट्रेडिंग में काफी हेल्प कराता है। तो ट्रेडिंग व्यू आप लोगों को पता है, ट्रेडिंग व्यू में इतना कुछ है ना कि अगर हम इसको अच्छे से सीख गए किसी और प्लेटफॉर्म को यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी रिसर्च के लिए। इस वीडियो के अंदर जो कंटेंट है वो जितना आप आगे बढ़ते जाओगे आपके लिए और भी वैल्यूएबल होने वाला है। तो आप आराम से मेरे साथ चाय या कॉफी के साथ बैठिए और बने रहिए। तो हम देखते हैं फटाफट से ऐसे कौन से हैक्स हैं, टेक्निक्स हैं, जिसके अंदर से हम ट्रेडिंग व्यू के कुछ ऐसे स्मार्ट यूजेस कर सकते हैं। राइट, तो ट्रेडिंग व्यू लॉग इन करना है, फर्स्ट आपके चार्ट वाले सेक्शन में आना है, ये आप आराम से कर सकते। पहला हैक जो हमारे पास है, इकोनॉमी कैलेंडर। ये चार्ट वाले सेक्शन में अभी आपको राइट साइड में ये कैलेंडर का सिंबल दिख रहा है, अभी आपको इस पे वन क्लिक करना है और यहाँ से अभी आपको एक्सप्लोर करना है। पहले ये अभी चार्ट वाले सेक्शन में अभी ये TCS का चार्ट्स मैंने ओपन कर रखा है और ये यहाँ पे कैलेंडर आपको दिख रहा है, कैलेंडर पे आपको क्लिक करना है ये, और यहाँ पे आपको वर्ल्ड पे मार्केट्स पे आके क्लिक करना है। अभी क्या करना है, कुछ सेटिंग्स में बता देता हूँ आप लोगों को। पहले यहाँ से हमें इंडिया और USA और UK, बाकी कंट्री से मतलब नहीं है, बाकी सबको अनसेलेक्ट कर देना है। अभी हमारे ये तीन सेलेक्टेड है, हमें यहाँ पे अप्लाई कर देना है। अभी आप इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करके आप यहाँ पे देख सकते हो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, तो यहाँ पे पूरी डिटेल्स है। अब इकोनॉमी में क्या चल रहा है वो सारी चीजें आपको यहाँ पे शो हो जाएगा वन क्लिक के अंदर। ये जो नीचे दिख रहा है आप, तो ये अर्निंग कैलेंडर्स हैं। इससे क्या होगा कि हमें कोई भी बड़ा हेवी पोजीशन अगर मार्केट के अंदर डालना है तो हम थोड़ा सा हमें कॉन्शियस रहना है कि अभी क्या चल रहा है फोरकास्ट में, ये है। राइट, मूविंग अहेड। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास, हमें अगर यहाँ से यहाँ पे अगर देखना है कितने मूवमेंट्स आए, तो हम बेसिकली क्या करते हैं, यहाँ पे मेजर टूल है, मेजरमेंट टूल, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ से उसको टच करने की कोशिश करते हैं। कई बार हमारे एक्यूरेट हो पाते हैं, कई बार नहीं हो पाते हैं, बट इसका एक मेथड है जो आप इसको एक्यूरेटली कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे दिख रहा है आपको ऑप्शन मैग्नेट का, पता है मैग्नेट पहले ऑन कर देना है, फिर आपको मेजरमेंट टूल यूज करना है। ये पॉइंटर्स एक्यूरेट बन रहे हैं। और नेक्स्ट जो हमारे पास है वॉच लिस्ट के ऊपर, बाय डिफॉल्ट हमें ट्रेडिंग व्यू में सिर्फ 3 वॉच लिस्ट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे अभी वॉच लिस्ट आप देखोगे ना, तो मेरे कई सारे वॉच लिस्ट बने हुए हैं। ये चीजें आप आराम से अपने फ्री अकाउंट के साथ कर सकते हो। आपको सिंपली ये करना है कि सेम अकाउंट के साथ ऐप में यूज करना है इसको। वॉच लिस्ट का सेक्शन आएगा, वहां पे आप प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे, वहां पे आप इजिली वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, जितने मर्जी चाहे कर सकते हैं, वो भी फ्री में बिल्कुल। नेक्स्ट जो है उसमें ऑप्शन ट्रेडर के लिए बहुत सही है, जो ऑप्शन में ट्रेड करते हैं उनके लिए काफी हेल्पफुल साबित होने वाला है। इस ट्रेडिंग व्यू के होम पेज पे आना है, चार्ट पे नहीं, होम पेज पे आना है। तो या तो आप इतने URL को कट कर दीजिए और ओके करिए, तो ऐसे में ये ट्रेडिंग व्यू के होम पेज पे आपको लेके आ जाएगा। अब जब प्रोडक्ट सेक्शन में आएंगे तो चार्ट्स, स्क्रीनर और हीट मैप्स दिख रहे हैं। अभी ये एक फीचर हीट मैप का है, जहाँ पे आपको जस्ट वन क्लिक करना है। अब यहाँ पे पर्टिकुलर क्या है, S&P 500 इंडेक्स्ड है पूरे सारे के सारे जो आप देख रहे हैं। अभी USA के टेस्ला वगैरह भी सब हैं, बट हमें उससे कुछ मतलब नहीं है फिलहाल, अभी हमें इंडिया का देखना है। यहाँ पे हमें S&P 500 इंडेक्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे Nifty 50 इंडेक्स को पुट कर देना है। अभी यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फाइनेंस है, फाइनेंस की इतने कैटेगरी हैं, जो लोअर और हायर दिख रहे हैं वो मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंगली ये पूरा इंडेक्स बनाया गया है। राइट, अभी आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है। अब बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए जो भी इंडेक्स है उसके अंदर फाइनेंस, अगर हम फाइनेंस को ट्रैक कर पाए, सिंपली हमें फाइनेंस पे वन क्लिक करना है। जिस साइड भी आपको ट्रेड लेना है उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ से चेक कर सकते। वैसे आपको स्विंग ट्रेडिंग वगैरह के पर्पज से देखना है तो आपको क्या करना है यहाँ पे कि ये जो परफॉर्मेंस दिख रहा है ना, अभी यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस वीकली परसेंटेज कर देना है, पूरे वीकली में क्या हुआ था, पर्टिकुलर एक स्टॉक कितना बढ़ा या कितना घटा, यहाँ पे अभी देख सकते हो आप। ये कॉन्सेप्ट पसंद आ रहा है आपको तो प्लीज अभी लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। तो नेक्स्ट जो हमारे पास फीचर है वो टेक्निकल्स है। टेक्निकल्स बहुत ही कमाल के फीचर है। ये वॉच लिस्ट का सेगमेंट है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टॉक का यहाँ पे नीचे में यहाँ पे आज का डेटा दिख रहा है। आप यहाँ पे इसको आप थोड़ा सा अप करके यहाँ पे की पॉइंट्स मिल रहे हैं सारे, आप देख सकते हैं अर्निंग्स वगैरह,
तो आप नीचे जब आएंगे तो मोर फाइनेंशियल्स हैं, ऐसे ही आपको नीचे मिल जाएगा टेक्निकल्स, ईयरली परफॉर्मेंस क्या था, वीकली परफॉर्मेंस क्या था, मंथली परफॉर्मेंस क्या था, यहाँ पे एक फॉरकास्ट मिलेगा और यहाँ पे एक मोर टेक्निकल्स मिलेगा। 1D के अंदर पूरा ऑसिलेटर समरी जो पर्टिकुलर निकल के आ रहा है कि ये बाय ट्रेड है अभी, और ऐसे ही सेम चीज़ें आप 5 मिनट में देख सकते हैं। तो ऐसे और भी इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है, हमें बहुत सारे स्टॉक्स वन क्लिक पे ऐड करना है, कई सारे स्टॉक्स वन क्लिक पे ऐड कर, तो मैं क्या करूँगा, एक एक स्टॉक्स को यहाँ पे सर्च करूँगा। फॉर एग्जांपल TCS, यहाँ पे अभी आपको कॉमा देना है, राइट, सिर्फ आपको कॉमा देना है, अभी आप देखते जाइए। फिर हमें ITC चाहिए, ITC का हमने कॉमा डाल दिया। अभी हमें CDSL चाहिए, CDSL हमने टाइप किया, कॉमा डाल दिया, और सिर्फ आपको वन टाइम एंटर क्लिक करना है। अब जैसे ही एंटर क्लिक करेंगे ना, तो देखिए ये चारों स्टॉक्स वन क्लिक पे आ गया। मुझे पक्का पता है कि ये ट्रिक आपको पसंद आया, तो अभी आप इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए। निफ्टी 50 है, जो 50 स्टॉक्स हैं हमारे, ऐसे ही आपको अपने जो 10 स्टॉक्स या 20 स्टॉक्स जो भी आपका पोर्टफोलियो है, आपको अगर उसका एक इंडेक्स बनाना है ना, तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे अभी फर्ज करिए कि आपके पास एक पोर्टफोलियो है जिसमें 20 स्टॉक्स है। अब 20 स्टॉक्स को आप पर्टिकुलर एक एक स्टॉक ट्रैक नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि मेरे पास एक ऐसे इंडेक्स हो जिसको मैं एक इंडेक्स को ट्रैक करूं, कितना अप गया, कितना डाउन गया ऑन द पर्टिकुलर डे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ऊपर कॉर्नर पे, यहाँ पे सिंबल सर्च में आना है, कुछ स्टॉक्स को ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ITC, और यहाँ पे अभी आपको प्लस एंटर करना है, SBI, जो भी आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हैं, प्लस ऐड करना है TCS, प्लस ऐड करना है BSE, प्लस CDSL एंटर करना है, ये आपका एक इंडेक्स बन गया। अब इसको आप कैसे देखोगे, सिंपली आपको यहाँ पे वॉच लिस्ट में आना है, और ये नीचे आपको दिख गया पूरा का पूरा इंडेक्स, जहाँ पे ये पूरे डिटेल्स हैं, राइट, और इसको और भी एक्सप्लोर आप कर सकते हैं यहाँ से, राइट। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है, अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो आपको ई सिंबल दिख रहा है, ये अर्निंग्स बताते हैं। तो अभी आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये सारे अर्निंग्स रिपोर्ट्स आप यहीं से देख सकते हैं। और बहुत सारे बिगनर्स को कन्फ्यूजन होता है कि ये ग्रीन में क्यों है, रेड में क्यों है। सिंपल ग्रीन और रेड का मतलब ये हो गया कि ये रेवेन्यू जो है नेगेटिव में है, ये माइनस में आपको दिख रहा है अभी। ये सारे जो ग्रीन्स बने हुए हैं ये पॉजिटिव के हैं, और जो पर्पल कलर का बना हुआ है वो येट टू कम है, अभी आया नहीं है, वो आने वाला है पर्टिकुलर डेट के ऊपर, राइट। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट आता है कि हम चाहे तो अपने चार्ट के ऊपर फाइनेंशियल्स भी देख सकते हैं वन क्लिक के ऊपर। यहाँ पे अभी इंडिकेटर्स में आना है, यहाँ पे देख जाएगा आपको फाइनेंशियल्स पे क्लिक करना है। अब इनकम देखना है या बैलेंस शीट देखना है या कैश फ्लो देखना है, जो भी आपको देखना है यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ से सेलेक्ट कर देना है। फॉर एग्जांपल अभी हमें देखना है, चलो नेट इनकम देखते हैं, अभी देखना है क्वार्टरली देखना है एनुअल देखना है, तो हमें क्वार्टरली देखना है, क्वार्टरली पे हमने क्लिक किया। अब यहाँ पे लाइंस बन रहे हैं, ये लाइंस आपको समझ नहीं आ रहे तो आपको यहाँ पे सेटिंग में आना है, और स्टाइल में आके यहाँ पे नेट इनकम का जो ये लाइन है आप इसको एरिया यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, अब ओके कर देना, तो ये बहुत अच्छे से यहाँ पे आपको शो हो जाएगा कि इनके ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है इसका अर्निंग बढ़ा या घटा। और ऐसे ही आप सेम चीज़ें कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे फाइनेंशियल्स में आके कुछ सर्च भी कर सकते हैं। प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपको सर्च करना है, तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे आ गया, अब इसको आप पुट कर सकते हैं ऐसे, तो आपको पता रहेगा कि उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो इस पर्टिकुलर टाइम पे क्या था और अभी कितना चल रहा है। वैसे तो ट्रेडिंग व्यू के हैक्स मेरे पास और भी हैं कुछ, लेकिन मैं अब इस वीडियो के अंदर कवर नहीं कर सकता क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। तो अगर आपको और भी फर्दर जानना है तो आप नीचे कमेंट कीजिए कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, और इसका पार्ट टू बनाइए। और मुझे पूरा उम्मीद है कि ये जो मेरा एफर्ट था आपको काम आया होगा, कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा भी हेल्प मिला होगा ना, तो आप प्लीज़ इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। और ये मेरे कुछ पॉपुलर वीडियोज़ हैं रिसेंटली के जो बहुत ही हिट गए थे, आप इसको भी चेकआउट कीजिए, यहाँ से आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच।